हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में मिडनाइट चंजर में। तो दोस्तों, आज हमारा कैमरामैन आए नहीं, इसलिए कैमरा का काम मैं ही करूँगा। भाई कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, तू ही कर भाई। तो कैमरा तो समार्ट, लाइट तो समार्ट, सब कुछ तू ही कर भाई। हाँ, तो जो कोई आए नहीं तो भाई आज तो मैं ही करूँगा फिर, क्योंकि हमारे ना तो कोई कैमरामैन आया ना बेचारा लाइटिंग आया, पर हम तीन ही हैं। तो गाइड करने वाले हम दोनों ही हैं, मैं और जो मेरे भाई देव है। बाकी कैमरा ये संभालेगा, यही जो भी भाई। आज हम जिस जगह आए हैं उस जगह की बात यह है कि वहाँ बोलते हैं कि आप 12 से 1 बजे तक के बीच में नहीं रुक सकते। मतलब हमको चैलेंज मिला है, उस चैलेंज को मानकर उसको यहाँ पे हम आए। और देव, अगर तेरे को भी पता हो, दिनेश तेरे को भी पता हो, आज से 2 साल पहले 2019 की बात है, यहाँ एक खान है, एक नदी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें लगभग 15-16 साल का बच्चा था और पानी में डूब के उसकी मौत हुई है। हाँ बिल्कुल, बात सही है, बिल्कुल सही बात है ना। अखबार में भी और थी। आप अगर हमारी बात विश्वास नहीं करते तो शायद अक्टूबर की या नवंबर की बात है 2019 की, आप न्यूज़पेपर में देख लेना और कोई सी चैनल पे देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियो आपको, कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर हादसा हुआ है तो आप खुद देख लेना। और पहले अब हम यहाँ आए हैं भाई, एक बार तो तू गूगल टाइम दिखा। गया गूगल टाइम दिखा, ये तो वैसे टाइम दिखा। बस दिखा दे गूगल टाइम, आप गूगल टाइम दिखा दे। उल्टा बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 11:43 मिनट हो रही है, देर बाद हम देख सकते हैं। ये गूगल टाइम है ना, 11:43 रिफ्रेश मार के दिखा रहे हैं भाई, 11:43 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो भाई मैं काम करता हूँ कैमरामैन पर। हाँ तो कैमरा संभाल, और हम इस पेड़ को संभालते हैं। और तो काम यस हो गए यार। भाई बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए आपका और हमारा, पहले आप इस पेड़ को देखिए, कितना भयानक पेड़ है ये। लंबे लंबे जैसे शिव जी की जो जटा होती है, ऐसे लंबे लंबे उसकी जटा है। और ये देखो आप, ये पेड़ है ना भाई, बहुत ही डरावना पेड़ है। और बड़का पेड़ में तो भाई वैसे ही खतरा होता है भाई। और हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, आज आ गया तू, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम निकालना है। हाँ, बस और कुछ नहीं करना। हमारा चैलेंज ये है कि हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। बाकी तो नदी है वो दिखाएंगे माँ, वो माँ को जाते टाइम क्या है, क्या है? कहाँ है? अरे इसी की ये जड़ है जो नीचे आ गई, और क्या, ये पेड़ बन गया, ये दूसरा पेड़ बन गया भाई। ये एक ही पेड़ है, ये उसी पेड़ का अंत है
जो यहाँ बन गया, एक वो बन गया, एक दो एक तीन वो बन गया, पीछे चार चार पांच तो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एक ही पेड़ से बने हुए, कोई अलग से पेड़ नहीं है। देखो आपको, देखो ऊपर जो डाली आ रही है यहाँ के, सीधा वो ही बन गया। और कम से कम, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 100 या 200 साल पुराना पेड़ है ये। होगा इतना साल तो आराम से होगा, ये पुराना पेड़ है बहुत। तो भाई चैलेंज भी ऐसे ऐसे देते हैं। सोच भी नहीं सकते यार, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, हो रहा है, परेशान हुए पड़े हैं, बच गए होंगे क्योंकि आज आज में हमने लगभग 2-4 वीडियो निकाल दिया आदम ने, 3-4 जगह फूके हैं भाई। और लॉकडाउन का माहौल है, आप खुद जान सकते हो भाई। देखो भीलवाड़ा आई है ना, भीलवाड़ा भाई आ जाओ यार, कुछ तो हो जाए। ऐसा क्या है भाई इसके अंदर जो 12 से 1 बजे देखो चिड़चिड़ आवाज आ रही है, क्या मच्छर वगैरह की हो सकती है, देखने वाली चीज़ है। इसी का पेड़ उग गया भाई, और अगर ये गिर जाए ना। सुन अपन ऐसा काम करते हैं कि ऐसा बताते हैं कि रात को 12 बजे फिक्स 12 बजे जो बड़ का पेड़ होता है इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इससे पहले अपना जो नदी है पास में ही है जिसमें मौत हुई थी, हम वहाँ जाते हैं, वापसी पर हम यहाँ आते हैं। वो फिर हम भाई 2-4-5 मिनट और रुकेंगे यहाँ पर तुम्हारे कहने से, 12 बजे रुकेंगे, फिर देखेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं हमारे साथ। इससे पहले जो नदी है हम वहाँ जाके वहीं वहाँ दिखाते हैं जो मौत हुई थी। चलते हैं अपन फिर। कितनी दूर है वैसे? ये पास में है, बाइक ले चलनी पड़ेगी। सुनसानी जगह तो आते हैं ना, पर सुनसान जगह हुई, कोई हॉन्टेड, कोई पैलेस हुआ या कोई भी कुछ भी हुआ, काम ये सब है भाई। मतलब लाइट थोड़ी तेज कर दे, उससे हमें जूम करके पेड़ दिखा दो उससे। ये नदी है गाइस, और हम जो जो मरा था वो जगह दिखा रहे हैं भाई। इस पर मरते हैं भाई, इस तरफ, इस तरफ मरा हो। ये खुद देख लो आप, ये वो नदी है, ये पूरी पुलिया है, और यहाँ मतलब उसके जो 5-7 दोस्त थे, चौमासा का दिन था तो भाई बारिश आ रही थी, तो यहाँ पूरी नदी में पानी पानी हो गया यहाँ पे। तो क्या है, वो बच्चे होते हैं बच्चे, मतलब कि पानी में भाई चल तैर लेते अपन खेल लेते हैं, तो आए और यहाँ से जंपिंग मारा, तो जंपिंग मारने के बाद यहाँ अंदर पेड़ था जो जिसमें बेर आते हैं जाड़ी के पेड़ का,
और उस पेड़ में अंदर बच्चा पर उसका पैर अटक गया, क्या हो क्या नहीं हो गया, या कोई कीचड़ में पैर चल गया, मतलब उसकी मौत हो गई भाई, ऊपर आई नहीं पाया। और कई लोग यहाँ के जो कबीला लोग होते क्या बोलते उनको यार, गांव वाले सपेरा सपेरा आए थे यहाँ पे 3-4 जने, वो उसको निकाल के लेके आए थे। तो उनका मानना तो यही था कि अंदर ऐसा कुछ भी ना, कोई पेड़ था ना कुछ भी, लेकिन बच्चे थे वो यहाँ पे पेड़ था, ये हम खुद नहीं देखे, हम तो सुनी बात को बोल रहे हैं। हाँ इतना बोल रहे हैं कि ये बात सच्ची है, अखबार में भी आई थी, अभी उसके पास न्यूज थी, में भी आई थी, उस पेड़ के पास था, इसमें सामने सोचा इसको दिखा देते हैं। और जो बच्चे 7 के बच्चे थे वो ये बात बोल रहे थे कि हम मजाक जान रहे थे, कोई मजाक कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा। और जब वो अंदर हरकत कर रहा था हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आदमी उसको अंदर से खींच रहा है, अपनी तरफ कुछ खींच रहा है। तो वो बोल रहे थे कि हम तो मजाक समझ रहे थे भाई, मजाक मजाक में भाई जो कुछ होना था जो हो गया, बच्चे की मौत हो गई, अपने बीच में तो है नहीं वो, बाकी वो मरा नहीं थे। अब हम वापसी जा रहे हैं, ये देखो मिट्टी के कीले हैं, कीले हैं मिट्टी के पूरे। गाइस देखो बात ऐसी है, हमारा जो मेन जो टारगेट है वो ये बरगद का पेड़ है, बरगद का जो पेड़ है वहाँ हमको रुकना है, मेन टारगेट तो हमारा ये है। बाकी इसके पास में जो नदी है यहाँ पर उस बच्चे की मौत हुई थी, तो भाई हम यहाँ पे आपको दिखा दिए, अपना तो ज्यादा से ज्यादा जहाँ हॉन्टेड लोकेशन है वो दिखाने का काम है, बस हमारा काम यही है, जहाँ मिले वो ही दिखा देंगे बस। अब चलते हैं भाई अपने पेड़ की तरफ। भाई हम लग रहे ना भूत से। भाई 12 बजे 1 बजे वापसी हम आ चुके हैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं किसी भूत का, तो भूत मिल जाए तो भाई अच्छी बात है, भाई मिल जाए तो बढ़िया यार, नहीं नींद आ रही बहुत जोरदार वाली। जो हमारे जो सब्सक्राइब है, जो हमारे बेचारे हम कमेंट करते हैं कि भाई वहाँ जाकर वीडियो बनाओ, कोई चैलेंज करता है, तो भाई हमारा काम है वीडियो बनाना, आप लोगों को दिखाना। अब अगर यार हम इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, 1.5 घंटे की हो जाएगी अगर हम पूरी दिखाएंगे आप, इस वजह से हम आपको थोड़ा थोड़ा, बाकी आपको खूब पता है अगर जो कुछ होना होगा ना वो हो जाएगा 15-20 मिनट में ही हो जाएगा, 15-20 सेकंड में हो जाता है यार, 5 सेकंड का काम होता है, सेकंड का काम होता है वो तो एक हवा है। और बरगद का पेड़ सुनने में कितना अजीब है, और बरगद का पेड़ क्या होता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो भाई आपको खूब पता है, सुनने में गए तो देखने में भी खतरनाक है। और ये पेड़ ही कितना पुराना पेड़ है और देखने में कितना खतरनाक पेड़ है, वैसे भी बता दें ये वैसे इसमें घूमते हैं यहाँ पे यार, आगे देखो इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं। देखो हम इसको आगे दिखाते हैं आपको, ये देखो लंबी लंबी से जटा है, ये देखो शायद 2-3 साल में ये भी ठेठ नीचे टिक जाएंगी, दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा, दूसरा पेड़ तैयार होगा, जो ये नीचे टिकी जमीन में वहाँ एक पेड़ बन गया, ये हो रहा है, ये देखो ये ऐसे ही है, नीचे टिकी होगी और एक पेड़ बन गया, ये देखो ये पापा जी हैं, ये बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, देव सही बोल रहा है, ये पापा जी है, ये इनके बच्चे हैं, देखो पेड़ तो बहुत डेंजर है यार, डेंजर है भाई पेड़ बहुत,
भाई अगर यहाँ कोई भी आत्मा या कोई नेगेटिव पावर भाई अगर कोई जो भी कुछ है अगर यहाँ कोई चुड़ैल है तो भाई उसकी हम दिनेश से शादी करा देंगे। मगर कुछ भी है तो भाई सही है भाई मेरे साथ शादी करा दे। दिक्कत रहा है भाई यार पेड़ के साथ ही करा देना। पेड़ के साथ ही पेड़ के साथ करके करेगा यार कम से कम इतने बच्चे तो है काम तो करेंगे साले। और भाई गाइस ये तो लंबे लंबे बच्चे पता है यार इनकी कितनी एज होगी इनकी ये पहले ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बाप से बड़े। कोई वो नहीं इनका भाई। तो गाइस हंसी मजाक बहुत हो चुकी है बाकी हमें दो चार मिनट और यहाँ पे भाई भाई हमको आ रही है नींद यार हमको है ना भूत चुड़ैलों से डर नहीं लगता हमको नींद से डर लगता है। नींद आ रही है भाई नींद की पूर्ति होनी चाहिए यार भाई है क्या कोई यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पावर हो तो भाई सामने आओ कुछ तो ऐसा करो हमारे कैमरे में जो कुछ हलचल हो ताकि हम हमारे जो सब्सक्राइब है जो हमारे ऑडियंस हम उसको दिखा सके भाई हमारे साथ ये हलचल हुई है भाई कुछ भी ना है चले चले और तो क्या मेरा टाइम बता भाई चले अब यार देख लो अभी तो यार भाई दिनेश तेरा फोन दे यार मेरा तो डिस हो गया एक बार टाइम दिखा देते हैं इनको एक बार और फोन देना भाई मैं खुद आ रहा हूँ और दिख रहा है हाँ दिख रहा है फिक्स 12 बज रहे हैं ना हाँ अबे हमें इन्हीं के सामने गूगल टाइम दिखाते हैं हाँ दिख रहा है चलो देख गूगल टाइम ये गूगल ही है ना हाँ गूगल ही है गूगल टाइम 12:02 AM हो रही है और भाई 2 जून 2021 ये पिन कोड नंबर है 30:10:30 खुद देख सकते हो आप भी भाई देखो मेरे फोन ले लेते अब गाइस देखो आपने कमेंट करी भाई कि भाई फलाना बढ़ का पेड़ है वहाँ जाओ वहाँ जाकर वीडियो बनाओ और मतलब तुम्हारा जो खुला चैलेंज था उसको माने हमने चैलेंज भाई तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया है और करके दिखाया है और आपको गूगल टाइम में भी दिखा दिया और वैसे भी दिखा दिया मैं 12 बज रहे हैं और अब भाई इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्यों हमको भूत मारता तो हम अब तक मार देता भाई अब वो नहीं मार रहा इसका मतलब वो हमसे हमको नहीं मारना चाहता इस वजह से हमको नहीं मार रहा हम ये नहीं बोल रहे वो हमसे वो डरप रहा है दोस्त है भाई वो इसको डर लग रहा है हम ये नहीं बोल रहे भाई लेकिन यार कुछ होना होता तो भाई अवकाश क्या आवाज़ है यार आवाज़ तो आई है किसकी आवाज़ है आवाज़ तो आई यार की होगी यार वैसे पत्ता क्यों नहीं बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा कुछ पेड़ पे कुछ ठंड रहा होगा हाँ गाइस हम देखो अभी कैमरे में जैसे रिकॉर्ड होने रही बाकी जो हमको ऐसा महसूस हुआ था कि कोई बड़ के पेड़ पे कोई आदमी ठंड रहा हो कोई आदमी ऊपर घूम रहा हो यहाँ पे यार ऊपर तो ऐसा कोई थे पर आवाज तो आ रही थी आवाज आई थी गाइस आवाज आई कैमरे में रिकॉर्ड हुई है या नहीं वो नहीं पता हम तो इतना सा बोले थे कि भाई कुछ हादसा अभी तक नहीं हुआ भूत बस भूत का नाम ही लिए थे इतना मत भाई बटाक से आवाज आ गई आवाज भी ऐसी आई कोई आदमी ऊपर चल रहा हो बस भाई अब हो गया अपना यार अब दिखा दिया अपन मेहनत मन से आई थी भाई ठीक है यार अब हो गया अपना चैलेंज कर दिया पढ़ने चले नहीं ठीक है बाकी यहाँ से दिखा तो भाई एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको आप हमको ऐसे इंटरेस्टिंग चैलेंज दे सकते हो हॉरर हॉन्टेड से रिलेटेड कोई भी हॉन्टेड गेम हो कोई भी हॉन्टेड चैलेंज हो आप हमको दे सकते हो कमेंट करके बताओ भाई
ऐसे ऐसे हमारे को चैलेंज दो, हम सारे चैलेंज करेंगे। और भाई एक और कमेंट आई थी होटल हवेली के नाम से, सबसे पहले जो भी कोई भाई और बहन थी उसको भाई धन्यवाद। दूसरी बात भाई, वहाँ हम ज़रूर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और नाइट में बनाएंगे, वीडियो नाइट में बनाएंगे, बाकी आएंगे ज़रूर। आपका जो हरियाणा है फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद होटल में आएंगे ज़रूर, वादा कर रहे हैं, वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हाँ। आपको बाहर की लोकेशंस देखने को मिलेंगी। हाँ। भाई बहुत अच्छी अच्छी बहुत देख ली। अभी क्या है लॉकडाउन का, लॉकडाउन खुलते है ना तो भाई हमारा कहीं जाना नहीं हो रहा। आपको अल्टीमेट लोकेशन है, यहीं पे हम जा रहे हैं, अल्टीमेट लोकेशंस दिखाएंगे। तो आप कमेंट करो भाई, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ये बात मत सोचना कि हम कमेंट में लोकेशन भेज रहे हैं और ये वहाँ पहुँच नहीं रहे, भाई जरूर पहुँचेंगे। जितने भी हमारे पास जो लोकेशन है हर जगह आ रही है, हर जगह हम जाएंगे, नोट कर रहे हैं कि जगह भाई हम वहाँ जाएंगे जरूर। लेकिन यार ऐसे में कैसे, ये बात आप भी समझते हो है ना, समझदार हो आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ सब्सक्राइबर समझदार है। इसकी भैंस की टांग की है, ऊपर से यार कोई जानवर होगा, जानवर होगा। तो ठीक है भाई, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, करते हैं ओ भाई चैनल को भाई सपोर्ट करो यार, वो ज्यादा दिन से सपोर्ट करो भाई, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। और भाई अब निकलना चाहिए, आ जाओ आ जाओ, मधुमक्खी आ रही है।